तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? बढ़िया है बेटे, बैग दे रहे। तो हमारा आज यूनिट नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले, ठीक है। यूनिट नंबर 3 कहता है हमारा रजिस्ट्रेशन एंड, चलो अब इन दोनों की बात सुनेंगे। बेटे इधर आओ, क्या क्या बात हो रही? नहीं नहीं इन दोनों की, चलो आ जाओ। नहीं अब यहाँ कन्वर्जेशन करते हैं। माइक दो, ये लो माइक, क्लास में आ जाओ, बहुत देर हो गई। सभी आ जाओ, सभी डिस्टर्ब बच्चों इधर आ जाओ। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो फर्म का देखो, हमने ये सीख लिया फर्म पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल और पार्टनर एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, सब पार्टनर, स्टॉपल पार्टनर बाय स्टॉपल, होल्डिंग आउट। डिफरेंसेस पढ़े कुछ फर्म और कंपनी, फर्म एलएलपी, फर्म एचयूएफ, फर्म कोन। यूनिट 1 यहां समाप्त हो गया था। यूनिट 2 मैंने सेक्शन 9 से शुरुआत की थी, ठीक है, और कई सारे सेक्शंस हम लोगों ने करे और बहुत ही लगभग 3 लेक्चर्स हम लोगों ने लिए थे उस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्टनरशिप में यूनिट 2 से ही आते हैं। अब थोड़ा रिलैक्सिंग मोड पे रहेंगे। यूनिट 3 है, बहुत आसान यूनिट, बहुत छोटा यूनिट। तो यूनिट नंबर 3 रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पहले फर्म के रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, तो नोट्स पे छोटा यूनिट, हाँ नोट्स पे ही जा रहे हैं। तो थोड़ा सा धुंधला सा हल्का सा है, बट मैनेज कर लेना। तो रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन की ये बात करता है। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर रजिस्ट्रेशन मतलब एक फर्म को अभी हम बना रहे हैं और बनाएंगे तो क्या करेंगे, और डिसोल्यूशन मतलब बंद कर रहे हैं। बस ये दो चीजें हैं रजिस्ट्रेशन डिसोल्यूशन में। देखो पार्टनरशिप जो रजिस्ट्रेशन का आंसर है वो हमें सेक्शन 4 देता है। सेक्शन 4 किस चीज का है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन का। सेक्शन 4 कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल। तो वहां पर लिखा था एग्रीड, तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनते। एग्रीमेंट कैसे बनते? ओरल और रिटर्न दोनों बनते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा हमने। तो जिस पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनते हैं ओरल और रिटर्न से, जब एग्रीमेंट ओरल से बन सकता है तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल नहीं हो गया, हुआ है नहीं? तो सर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है पार्टनरशिप में, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कोई आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की। हाँ अगर आप रजिस्टर्ड बिजनेस करना चाहते हो कोई बात नहीं, एलएलपी में चले जाओ, बड़े फायदे, लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन फिर एलएलपी के नुकसान भी है, कंप्लायंसेस होती है वहां। कंप्लायंसेस मतलब फॉलो करना पड़ता है, फॉर्म भरो, ये करो वो करो, फीस दो, और यहाँ पर कुछ करने की जरूरत। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, फायदे और नुकसान। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराऊंगा, बहुत छोटा सा है, कोई लॉजिक नहीं है बहुत ज्यादा, सिंप्लीफाइड है। एंड फिर डिसोल्यूशन की बात करेंगे। डिसोल्यूशन में काफी अच्छी चीजें हैं, क्वेश्चन यहां से आता है डिसोल्यूशन से। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया क्या मीनिंग, तो मीनिंग मेरे बच्चे ये कहता है,
इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से सर्टिफिकेट लेने का एक प्रोसेस है जिसको आप रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, वही फॉर्म वॉर्म भरो, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ता है। जैसे कंपनी के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है। उसके पास जाएंगे, फर्म का नाम देंगे, वलाना ढिमका ये सारी चीजें दे देंगे, फिर वो एंड में हमें क्या दे देता है, नेचर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शनल है। और जब ऑप्शनल है तो टाइम लिमिट क्या होती है इसकी, वो तो कोई टाइम लिमिट तो नो फिक्स टाइम लिमिट। प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, तो फॉर रजिस्ट्रेशन मेक एप्लीकेशन अलोंग विद पार्टनरशिप डीड साइंड बाय ऑल पार्टनर और हिज। कुछ नहीं करना, आपने एक पार्टनरशिप की डीड बनानी, क्या बनानी है, पार्टनरशिप डीड को साइन कौन करेगा, सारे एजेंट या ऑल पार्टनर या पार्टनर का अपना जो भी ऑथराइज्ड एजेंट होता है वो साइन करेगा। ऑल वेल, कम से कम मैंने लिखा हुआ है मिनिमम 6 रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पार्टनरशिप डीड को आप बनाते हैं। मैंने आपको डीड एक बार गूगल करके भी दिखाई थी क्लास के अंदर। तो डीड वही होता है, कुछ नहीं, एक लॉ का कानूनी पेपर होता है किसी भी, उसके पास रजिस्टर उनके पास चले जाओ, जो वकील नहीं होते ऑफिस में जो मशीन लेके बैठे होते टाइपराइटर वाली, उनके पास आप पहुंच जाओ तो वो आपकी डीड बनी बनाई उनके पास होती है, थोड़े से बदलाव करके आपको डीड दे देंगे आसानी से। तो कम से कम पार्टनरशिप डीड की मिनिमम 6 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोगों को फुलफिल करनी है। एक तो आपकी फर्म का नाम क्या होगा, डीड में तो ये लिखना जरूरी है। एक आपकी फर्म का प्रिंसिपल प्लेस यानी कि हेड ऑफिस क्या होगा। देखो ब्रांचेस बहुत सारी हो सकती है, 5 ब्रांच 6 ब्रांच, सबका नाम नहीं लिखना होता, आप अपने हेड ऑफिस का नाम लिखो बस, ठीक है, ओके। अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, जो बिजनेस ऑफ द फर्म है उसके दूसरे दूसरे प्लेसेस हैं उनका नाम आप लोगों को लिखना है। नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द फर्म, का नाम, फर्म का एड्रेस और फर्म का ऑक्यूपेशन। किस दिन से फर्म को क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि लाइबिलिटी तब से स्टार्ट होगी। और कौन सी फर्म है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या एट, तो फर्म का पीरियड क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है। ये 6 रिक्वायरमेंट है, फुलफिल करो, फुलफिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, तो जब कंप्लीट होगा, जब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अपने रजिस्टर में जो है आपकी क्या कर देगा, एंट्री कर देगा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अपने रजिस्टर में आप लोगों की एंट्री करेगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर डन हो जाएगा। सब समझ गए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंप्लीट व्हेन द रजिस्ट्रार मेक्स एंट्री इन रजिस्टर ऑफ द फर्म। ऑल वेल है, यहां तक जो भी आपने पढ़ा अमूमन नॉर्मली पेपर में नहीं आएगा, ये तो एक फॉर्मेलिटी करी हम लोगों ने पढ़कर। लेकिन ये जो अगला पॉइंट है इसके चांसेस बनते हैं कि एग्जाम में आने के, पॉइंट ये कहता है कि क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं अगर एक फर्म अपने आप को रजिस्टर नहीं करती तो कंसिक्वेंसेस क्या हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के। तो नॉन रजिस्ट्रेशन के कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो अपने पार्टनर्स पे केस फाइल नहीं कर सकता। कोई भी पार्टनर अपनी अनरजिस्टर्ड फर्म पे केस फाइल, कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी पर केस फाइल नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म पे केस कर सकती है। थर्ड पार्टी कभी रजिस्टर होती है भाई, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसके परिणाम ये होते हैं कि
कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म अपने पार्टनर के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल, कोई भी पार्टनर अपनी फर्म के जो कि अनरजिस्टर्ड है उसके खिलाफ केस फाइल, कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मतलब 100 रुपए तक का केस कर सकते हो। अब आपको हंसी आ रही होगी, एक्ट कब आया था? आज 2024 चल रहा है, लगभग 92 इयर्स बैक ये वाला कानून आपके। अच्छा, उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था। अच्छा, उस समय का देखो 100 रुपए की वैल्यू। अरे 100 रुपए में पूरे पूरे खेत आते थे, 18-22, पता है आपको, बड़ा महंगा था। तो पता नहीं क्या है 100 रुपए का सिस्टम, समझ नहीं आता अब आज की डेट में। लेकिन लोग ना 100 रुपए का भी केस करते हैं। अगर आपको इस केस के बारे में जानना है, पैसों के बारे में, तो एक ना फिल्म है, मुझे पता है आप सबने अकेले अकेले वो फिल्म को जरूर देखा होगा। वो फिल्म इसकी है, पंकज त्रिपाठी की, पार्ट 2 आई है उस मूवी। अरे यार, ओ माई गॉड, हाँ वही, कब की, उसी के बारे में। तो उसमें पंकज त्रिपाठी अपने बेटे के लिए केस लड़ रहा होता है। वो बस ये कहता है कि मेरे से आप माफी मांग लो, और कितने, 100 रुपए, 101 रुपए या 50 रुपए कुछ, वो आप हरजाने के तौर पर दे। अच्छा, देखा जाए तो 2024 में 100 रुपए हरजाना क्या है? कुछ नहीं, नहीं, हम सामने वाले का सम्मान गिरा रहे। जैसे मेरे नाम पे आ गए भाई, सर से हमने 51 रुपए की पेनल्टी ली। अब चाहे 51 लाख की लो, 51 की पेनल्टी तो लगी ना मेरे ऊपर, इट मींस मेरा नाम खराब हो गया, मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, मेरी गुडविल खराब हुई। जैसे किसी ने भरी सभा में मुझे, मेरे ऊपर इल्जाम लग चुका है, मुझे, मैं चोर घोषित हो चुका हूं, बेशक मेरे से उन्होंने कोई पेनल्टी नहीं ली, मुझे बस इतना बोला गया आपको अपना मुंह नीचे करके 1 किलोमीटर तक जाना है आगे, ये आपकी सजा है। तो मॉनिटरी कोई सजा नहीं दी ना, लेकिन मेरा सम्मान कहाँ गया? और आपको पता है इस दुनिया में सबसे डेंजरस चीज तो यही होती है। समझदार लोगों की बात कर रहा हूं, बेवकूफों की बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता अपने सम्मान से, जैसे इस क्लास में कुछ बच्चे जिनको हम, अब लेक्चर खत्म होने को, अब सिलेबस खत्म होने को आया, वो आज तक भी वो वही हरकत करते जो पहले दिन करते थे। उनको छोड़कर बाकी सबको अपना सम्मान प्यारा होता है। तो समझ में आ रहा है? तो जिनको कह रहा हूं मन में गालियां दे रहे हूं साला फिर चालू हो गया। चलो, एक्सेप्शन टू द पॉइंट इज सूट फॉर नॉट एक्सीडिंग रुपीज, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन क्लेम, यानी कि एडजस्ट फॉर जस्ट रुपीज, 100 रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। लेकिन मैंने नोट में देखो साफ साफ लिखा है, नो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन विच पार्टी, थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म वेदर इट इज अनरजिस्टर्ड और ऑल वेल। इतना सही था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। एक काम करने वाले हैं हम लोग, जल्दी से मॉड्यूल पे जाएंगे। ये 2 ही पेज में, 3 पेज में आई थिंक है बस, ये रहा। देखो बेटे, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देने के लिए ये चीज चाहिए आपको, बता दी, फर्म नेम, प्रिंसिपल प्लेस, अदर प्लेसेस भी हैं तो वो भी डाल दो, किस दिन ज्वाइन करा, एड्रेस वेड्रेस और ड्यूरेशन, यानी कि पर्टिकुलर, या साइन करेंगे सारे पार्टनर और उनके एजेंट। जो फर्म का नाम होगा ना मेरे बच्चे, ये जरा ध्यान से देखना, वो फर्म का नाम कुछ इस तरीके से, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल,
इस तरीके के शब्दों का आप यूज नहीं कर सकते अनलेस आपने गवर्नमेंट की परमिशन ले ली हो। कुछ नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इंपीरियल, क्राउन, किंग, ये सब रिजर्व नेम है, सब लोग यूज नहीं कर सकते। अब आप ये मत बोला सर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, सर इंपेरियल ब्लू की दारू है जी, रॉयल स्टैक, ये सब मत बता, ये सब ने परमिशन ली है। तो आप जनरली क्राउन, क्राउन इंटीरियर मॉल, क्राउन प्लाजा होटल, तो इनके लिए आप क्या लोगे? परमिशन लो। मतलब आम लोग यूज नहीं कर सकते, बट आम की बात हुई है ना, बाकी दूसरे लोग तो यूज कर सकते हैं। तो जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाएगा सेक्शन 58 के प्रोविजन थे से, जो भी 58 ऊपर वाला है, तो वो अपने एंट्री क्या कर लेगा, अपने रजिस्टर में इस चीज की क्या कर लेगा, एंट्री करके आपको क्या इश्यू कर देगा, ठीक है। हाउ एवर रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी कंप्लीटेड एज सून एज ऑन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म विद द प्रेस्क्राइब फी एंड नेसेसरी डिटेल कंसर्निंग द पर्टिकुलर ऑफ पार्टनरशिप इज डिलीवर्ड टू द रजिस्टर। The recording of an entry in the register of firm in the routine duty of register. यही लिखवाया हुआ है मैंने, डायरेक्टली लिखवा दिया आपके नोट्स में। ओके, लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। ये क्या कह रहा है, इफ द स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म इज नॉट सेंट और डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार विद इन द टाइम, टाइम लिमिट होती है उसमें आप अपनी स्टेटमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप सबमिट करते हो, और अगर आप लेट हो गए तो आपको क्या देना पड़ेगा, 100 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी पर ईयर। और मान लो 1.5 साल बाद गए तो वो जो हाफ ईयर है ना वो पूरा साल माना जाएगा, तो 200 की पेनल्टी। 2.5 साल बाद गए, 3 साल 1 महीने 1 दिन बाद गए, 4 साल 1 दिन बाद गए, मतलब पार्ट ऑफ द ईयर को पूरा साल माना जाएगा, समझ गए। तो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाओगे सेक्शन 69 के परिणाम क्या होने वाले हैं, नो सूट इन ए सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ ऑफ क्लेम, 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेट ऑफ मतलब हमें थर्ड पार्टी से पैसे लेने, थर्ड पार्टी को देने भी है तो आपस में क्या कर लेते हैं, सेट ऑफ। 100 रुपए से ज्यादा का अनरजिस्टर्ड फर्म, एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट फर्म। मान ले किसी पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर दी गई है तो वो पार्टनर जिसके साथ गड़बड़ होती है वो एग्रीव्ड होता है, ये बात तो जानते हो आप लोग, वो पार्टनर फर्म के खिलाफ कुछ भी, थर्ड पार्टी को कोई रोक नहीं है, थर्ड पार्टी खुलकर केस फाइल कर सकती है। ऑल वेल भाई, कुछ एक्सेप्शंस हैं। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट हाउएवर अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। तो कुछ राइट्स हैं, थर्ड पार्टी केस कर सकती है, पार्टनर फर्म के डिसोल्यूशन के लिए और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट या फर्म को बंद करने के लिए केस कर सकती है, द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। लिक्विडेटर क्या कर सकता है, इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी को रिलीज, और कितने रुपए तक का कर सकते हो, 100 रुपए। ऑल वेल, द राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हायर ऑफ द डिसीज पार्टनर। जैसे अनरजिस्टर्ड फर्म है उसका एक पार्टनर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने पैसे मांगे फर्म से, फर्म ने पैसे नहीं दिए, हमने सोचा ये तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और वो तो केस फाइल वो कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल है, ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज ए पार्टनरशिप फर्म इन 2017। ये क्यों हो रहा है, इन 2018 विद एबीएनसी पार्टनर, इन 18 ए मर गया, इन 19 बीएनसी सू एक्स इन द नेम एंड बिहाफ ऑफ ए एंड कंपनी विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर कंसिडरेशन इज वेदर द सूट इज
मेंटेनेबल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज ए पार्टनरशिप फर्म इन 2017 विद ए बी एंड सी, तीन पार्टनर है। 2018 में ए क्या हो गया? नहीं, 18 में ए मरा है, फिर फुल स्टॉप है। इन 19 में बी एंड सी ने केस करा एक्स पे फर्म के नाम पर और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वेदर द सूट इज मेंटेनेबल और नॉट, तो रजिस्ट्रेशन के बिना तो एज रिगार्ड द क्वेश्चन वेदर इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म हुज बिजनेस वाज कैरीड ऑन आफ्टर हिज रेजोल्यूशन बाय डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टनर ए सूट कैन बी फाइल्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट डीलिंग और ट्रांजेक्शन विदाउट नोटिफाइंग द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इट वाज डिसाइडेड दैट रिमेनिंग पार्टनर शुड स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सब्सिक्वेंट डीलिंग और ट्रांजेक्शन इवन दो द फर्म वाज नॉट रजिस्टर्ड अगेन आफ्टर सच डिसोल्यूशन। पहले रजिस्टर्ड थी, ये पढ़ा किसी ने तो सुनना, अगर ये पहले रजिस्टर्ड नहीं होती तो ये थर्ड पार्टी पर केस फाइल, पहले रजिस्टर्ड थी, कोई पार्टनर मर गया, फर्म बंद होके दोबारा से चालू की और दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रोक नहीं, क्योंकि फर्म की कोई ऐसी इंटेंशन अनरजिस्ट्रेशन की तो थी नहीं, वो तो कोई मर गया पार्टनर आया। चलो तो ये आपको पढ़ना है एक बार, हमने मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फर्म के डिसोल्यूशन। चलो नोट्स पे पहले आते हैं, फटाफट से नोट्स भी कंप्लीट करते हैं। फर्म के डिसोल्यूशन की छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले बताओ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म को बंद करना। एक्चुअली क्या हो रहा है, लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स खत्म हो रहे हैं। पार्टनर्स के बीच के लीगल रिलेशन को खत्म किया जा रहा है, इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। ऑल वेल, तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन कह रहे हैं, इट मींस डिसकंटिन्यूअस ऑफ ज्यूरल रिलेशन। ज्यूरल को हम लीगल बोलते हैं। सिंपली व्हेन द रिलेशन अमोंग ऑल द पार्टनर्स आर द बिजनेस ऑफ द फर्म इज एसेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर। ऑल वेल, ये तो मीनिंग है डिसोल्यूशन का। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन के मोड की, कौन कौन से मोड से डिसोल्यूशन हो सकता है। बहुत प्यार से सुनना, अब आपका ये स्टार्ट हुआ है। सबसे पहला मोड है डिसोल्यूशन बाय, भाई पांच पार्टनर है, पांचों बैठे। अब क्या हुआ जी, पांचों पार्टनर बैठे, उन्होंने कहा कि फर्म को बंद करते। पहले देखो वो फर्म कौन सी है, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट विल है। मैं आपको एक बात बताता हूं, फर्म कोई सी भी हो, अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो आप फर्म को बंद कर सकते हो, क्योंकि खोली तो उन्होंने ही थी। तो जब आपस में पांच पार्टनर है, पांचों ने, जैसे मान लो पार्टनरशिप एट विल थी, पिछले 20-25 साल से चल रही है फर्म, सारे पार्टनरों ने अपने अपने बढ़िया नोट वोट कमा लिए, कोई टेंशन नहीं है। तो वो फर्म अब 20-25 साल बाद उस फर्म को क्या किया जा रहा है, बंद करने की इच्छा हो रही है, तो कर दो बंद, कोई टेंशन नहीं है, सब लोग एग्री करेंगे और उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्लियर है? तो चाहे पर्टिकुलर हो, हेलो, चाहे पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, चाहे एट विल हो, आप अपनी फर्म को बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, दैट इज एनी पार्टनरशिप पर्टिकुलर और एट, कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल द
आगे है डिसोल्यूशन बाय। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक फर्म है जो 20 साल से चल रही है, कितने पार्टनर है, पांच मान लो, ए बी सी डी और इन्होंने फर्म खोली थी पांचों ने, अब 20 साल हो गए भाई, सबकी अपनी अपनी एज हो गई, मान लो ए की एज हो गई भाई 60, 20 से नहीं चल रही 30 से चल रही, सब अपना 60, 62, 61, 59 ऐसे एज के अपने पार्टनर है, अब इतने साल से पार्टनरशिप है तो उम्र तो यही होगी। तो अब ए बंदा जो है वो फर्म को बंद करना चाह रहा है। देखो लोग ना सारे एक जैसे नहीं होते, अब हो सकता है ए ने ये प्रण लिया हो कि भाई 60 साल की उम्र हो गई, अब रिटायरमेंट हो गया, अब मैं अपने जीवन के बचे हुए जो भी 10-15 साल होंगे, बहुत काम कर लिया बचपन से, काम ही कर रहे, अब तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो ए ने सोचा भाई अब मैं अपनी इस फर्म को क्या करना चाहता हूं, तो ये गया भाई बी के पास, बी ने कहा नो, सी ने कहा नो नो नो, बाकी चार में भी कमाने की इच्छा है, लालच नहीं बोलूंगा, कमाने की इच्छा है। ए यहां पर मात्र एक नोटिस देगा और फर्म क्या हो जाएगी, हाँ तुम चारों नई फर्म बना के करो बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म में ही होता है, कई लोग हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर फर्म बंद करना चाहे तो ये अकेला नोटिस देके कर सकता है, बशर्ते ये पार्टनरशिप एट विल होनी चाहिए। कौन सी? अरे एट विल वाली कभी तो बंद करवाऊंगा मैं, एट विल का मतलब ये थोड़ी जीवन भर चलती रहेगी। ऑल वेल, अब ए ने अपना नाम दे रखा है, ए बी सी एन कंपनी है, ए रिटायर हो गया, नाम भाई है ABCN कंपनी, तो लोग तो ABC के नाम से आ रहे हैं ना, उसमें ए अभी भी तो जुड़ा हुआ है, वो क्यों अपना नाम यूज करवाए, नहीं करवाना चाहता नाम यूज, कल को कोई दिक्कत हो गई तो वो लाइबल तो खैर नहीं होगा, ये नोटिस दे देगा, लेकिन नाम तो खराब हो जाएगा, वो अपना सेफ साइड चल रहा है, वगैरह बंद करो भाई, समझ गए। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में नोटिस से काम नहीं चलता, वहां तो सबसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप कुछ साल के लिए तो पार्टनरशिप बनती है, उसमें भी तू नोटिस दे के चला जाए, हम बेवकूफ है, ये बात पार्टनर बोल रहे, समझ में आ गया। तो देखना, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ए पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम व्हेन अ सिंगल पार्टनर गिव्स नोटिस अबाउट डिसोल्यूशन टू ऑल अदर पार्टनर्स, एक सिंगल पार्टनर भी बंद करवा सकते। अब सी पॉइंट कह रहा है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कंटिंजेंट डिसोल्यूशन, कोई इवेंट हो गया जिसकी वजह से फर्म डिसॉल्व करनी पड़ रही है, हालांकि यहां पर डिसोल्यूशन को अवॉइड किया जा सकता है अगर इसके लिए पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप डीड में क्या हो, कोई एग्रीमेंट हो, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट होगा तो यहां पर डिसोल्यूशन क्या हो सकता है, आप रोक सकते हो। जैसे कि पांच पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, अगर डीड वीड में कुछ नहीं लिखा तो फर्म बंद हो जाएगी, लेकिन अगर डीड में लिखा है ना भाई कोई भी डेथ हो गई तो फर्म को हम बंद नहीं करेंगे, तो फिर बच जाएगी। तो ये कंटिंजेंट हुआ या नहीं, हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, हो सकता है कोई अनसाउंड हो जाए, हो सकता है कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, हो सकता है फर्म का टाइम पास हो जाए, ये वो वाला टाइम पास नहीं है जो तुम लोग करने आते हो यहाँ पे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप से एट विल पे आ गए, मान लो पर्टिकुलर पांच साल की थी और पांचवें साल बिजनेस तगड़ा चल गया तो अब बंद करने की आवश्यकता है, लेकिन बंद तो करना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, अपने पर्टिकुलर पार्टनरशिप को कन्वर्ट करके क्या बना देंगे, पार्टनरशिप एट, समझ गए।
तो देखो इसको पढ़ रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट दैट इज कंटिंजेंट इवेंट। कंटिंजेंट मतलब वही हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। हेयर डिसोल्यूशन कैन बी अवॉइडेड बाय मेक स्पेशल प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, नंबर वन ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, नंबर टू ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, नंबर थ्री पासिंग ऑफ टाइम दैट इज ड्यूरेशन ऑफ फर्म हैज लैप्स, नंबर फोर ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द जो भी एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो गई। तो पार्टनरों ने सोचा छोड़ो ना अब और दूसरी एक्टिविटी कर लेंगे। तो यहां पर सी पॉइंट में डिसोल्यूशन आप अवॉइड कर सकते हो बाय मेकिंग स्पेशल प्रोविजन इन द पार्टनरशिप, बट डी में कंपलसरी डिसोल्यूशन हो ही जाएगा, होना ही होना है, तय है। जैसे सबकी डेथ हो गई एक बच गया, या एक भी नहीं बचा सभी की डेथ हो गई, पांच पार्टनर थे, पांचों ने सोचा भाई गोवा चलते हैं घूमने के लिए, वो फ्लाइट पकड़ गए, वो फ्लाइट हवा में बूम, ओसामा बिन लादेन का आठवां बच्चा वहां बैठा हुआ था, उसने हवा में कर दिया काम, सही है। तो अब आठ के आठ मर गए, पांच के बाद जो भी पार्टनर थे, अब क्या करें, फर्म चलाएं, चलाएगा कौन पहले ही बताओ। आत्माएं तो बैठेगी नहीं, मीटिंग करेगी यार। या मान लो पांच पार्टनर थे, पांचों गोवा जा रहे थे, एक की लाश दे तबीयत खराब हो गई, वो रुक गया, चार चले गए बूम, अब एक जो बचा हुआ वो क्या करेगा। खुश नहीं होगा, अगर दो बचते तो खुश हो जाते, लेकिन मेरे बच्चे खुश नहीं। एक यहां कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा थोड़ी हो रहा है, जो गए हैं वो अपना टैलेंट भी तो ले गए, है जी। बिजनेस में जितने लोग जाते हैं तो नुकसान होता है, जाने पे फायदा कभी नहीं होता। हाँ जान बच गई तो खुश, उसकी तो वो अय्याशी करेगा, हो सकता है फर्म बेच के सारा पैसा वो भंडारा कर दे, माई बचा लिया बच गया। ये तो गोवा की हसीन वादियों का नजारा लेते लेते हम वहां पहुंच रहे थे और पहले निकल लेते, क्या फायदा होता, वो एक अलग मैटर है। चलो यहाँ कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा, हियर डिसोल्यूशन कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन देयर इज कंट्रारी, यानी कि अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप, यहां पर आप डिसोल्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते। तो नंबर वन, डेथ ऑफ ऑल पार्टनर ऑल और पार्टनर एक्सेप्ट वन, या तो सबकी डेथ हो गई या एक को छोड़कर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन, या फर्म का बिजनेस क्या हो गया, शराब बेचते थे पार्टनर्स, लीगल था, इतने में कोई नया सीएम आया, उसने कहा दारू बंद, होता है बिहार में गुजरात में हुआ है, नीतीश कुमार आया बिहार में, उसने दारू बंद कर दी। तो उससे पहले कई लोग पार्टनरशिप में दारू की दुकानें चलाते थे या नहीं। ओके अगला कहता है, ये बड़ा अच्छा है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट आकर आपकी फर्म को क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। देखो हम डिसोल्यूशन के तरीके पढ़ रहे हैं, एक तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एक डिसोल्यूशन बाय नोटिस, एक डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, और एक कंपलसरी डिसोल्यूशन, और पांचवा है डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है फर्म को बंद करने के लिए। कोर्ट कब इंटरफेयर करता है फर्म को बंद करने के लिए, एक तो देख क्या हुआ कि फर्म में चार पार्टनर है, एक पगला गया, अब उसको बोल रहे भाई जा तू, वो नहीं जा रहा, वो अलग ही एक्टिविटी कर रहा है, फर्म के अंदर आया सोफे पे मस्त विष्णु भगवान बन के लेट गया, रिसेप्शन पे मैडम को आंख मार रहा है, ठीक है, सही नहीं है ना ये सब, जीवन में क्या फायदा। उसको समझाया जा रहा है कि अब आप पागल हो चुके हो, अब आप जाओ, तो दुनिया पागल है, आई एम नॉट पागल, यू आर मेंटल, ठीक है, वो ज्ञान दे रहा है। पागलों को आप कभी सुधार सकते हो, मैंने कोशिश कर ली, पूरा बैच निकल गया, आप नहीं सुधार सकते पागलों को।
अब वो पगला मान नहीं रहा, फर्म बंद नहीं कर पा रहे, क्या करे भाई, फर्म बंद करने का नाम लेते तो वो तांडव करने लग जाता। तो भाई कोर्ट गए, फिर कोर्ट में रिक्वेस्ट करी, जनाब जरा देखो इसको, हम तो नहीं कर पाए, आप ही कर लो कुछ। तो कोर्ट अब आदेश देगा। अच्छा, कोर्ट के आदेश से अच्छे अच्छे पागल सुधर जाते हैं और अच्छे अच्छे पागल भी हो जाते हैं, है ना। तो डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस एनी पार्टनर कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर ऑर्डर ऑफ। व्हेन पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पगला गया, एक्टिव पार्टनर परमानेंटली फिजिकल इनकेपेबल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे चली गई, दोनों हाथ चले गए बंदे के, एक्टिव पार्टनर है, अब क्या करेगा वो, समझ गए। मिसकंडक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है फर्म के अंदर, उसको मना कर रहे हैं मत कर, दूसरे इम्प्लॉयज है। अब जैसे मान ले एक पार्टनर है, लड़का है, उसकी शादी नहीं हुई, अब वो दूसरी इम्प्लॉय है उसके पीछे पड़ेगा, उसको समझा रहे भाई रहने दे, मान ही नहीं रहा, फर्म बंद कर, मैं नहीं कर रहा, तो कहाँ चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। अब उससे सेटिंग नहीं हो रही है तो उसमें हम क्या करें। अब कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अलार्म सेट करने के अलावा और कुछ नहीं किया। कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो लगातार पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंप्लाइड अथॉरिटी में कुछ चीजें कवर नहीं है तो वो तोड़ रहा है, कुछ एक्सप्रेसली बातें लिखी हुई है वो उनको ब्रीच कर रहा है। व्हेन ए पार्टनर ट्रांसफर इज शेयर टू, ये कोई कंपनी थोड़ी है जो शेयर बेच दो किसी को भी, फर्म है, फर्म में ऐसे ट्रांसफर ऑफ शेयर आप नहीं कर सकते, चार पार्टनर है ए बी सी डी तो वही रहेंगे पार्टनर। अब ए ने क्या करा, अपनी जगह पे बी को लिया, ई को लिया आया, ऐसे नहीं चलता, वो कंसेंट चाहिए सबकी, तो बिना कंसेंट के ले आया, ना, बिल्कुल नहीं। फर्म में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, अब पांच पार्टनर है, चार बहुत अमीर है एक गरीब है, अब अमीर वाले तो लॉस झेल ले, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, गरीब वाला बेचारा घर से बार बार ला के दे रहा है, इस बार वो कह रहा है बंद करो, वो बंद ही नहीं कर रहे, वो फिर कोर्ट जाएगा, साहब अपने पास कुछ नहीं है, ये तो उन्होंने बर्बाद कर दिया मुझे, बंद करो। एनी अदर रीजन विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल, या कोई और भी जेन्युइन रीजन अगर हो, ऑल वेल। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट है, तो ये मेरे डिसोल्यूशन के तरीके हैं। कैसा लगा जी, कोई समस्या? अब डिसोल्यूशन के बाद बहुत सारे मैटर्स होते हैं, देखो असली ड्रामा तो तभी होता है, जैसे किसी घर में मान लो बहुत संपत्ति है, बहुत प्रॉपर्टी है, और वो सारी प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के नाम है जिसने वो प्रॉपर्टी बनाई है, उसकी उम्र होगी 65, 65, 70, और अभी तक उसके सारे आदेशों का पालन किया जा रहा है, घर में 15-20 मेंबर है, थोड़े थोड़े फैमिली बढ़ गई, उनके बेटे, चार बेटे, चारों की वाइफ, उनके बच्चे वगैरह वगैरह, तो जब तक वो जिंदा है उसकी सारी बातें मानी जा रही है, हाँ या ना, मानी क्यों जा रही है, प्रेम करते हैं जनरली। एक मिनट, उसकी सारी बातें मानी जा रही है, यस, नहीं अभी तो नहीं पहुंचने वाला, अभी निकलूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा 2:45 तक आ जाऊंगा। ओके ओके, तो जैसी जैसी उसकी डेथ हो जाती है, अब उसके बाद होता है ड्रामे चालू, डेथ होगी तो प्रॉपर्टी का पैसा आता है, फिर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर होगा, उनको होगा, तो लड़ाइयां होंगी। फर्म के अंदर ऐसा कुछ ना हो तो यहां पर इन्होंने क्या दे रखे हैं, पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर,
ये हम अभी अगली क्लास में करेंगे, क्लास खत्म नहीं हो रही अभी, ये नेक्स्ट में करेंगे। पहले अब जो पढ़ा है उसको बैग पैक करने लग जाते हो। चलो जी, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड, पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस द डिसकंटिन्यूअस ऑफ द लीगल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म, यही लिखा था नोट्स में। इस लीगल को ज्यूरल रिलेशन भी कहते हैं। बट वेन ओनली वन और मोर पार्टनर रिटायर और बिकम इनकेपेसिटी फ्रॉम एक्टिंग एज पार्टनर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसेनिटी, द पार्टनरशिप रिलेशनशिप सच ए पार्टनर अदर इज डिसॉल्व, बट द रेस्ट में डिसाइड टू कंटिन्यू। अब मान लो छह पार्टनर है, एक पगला गया, अब एक के चक्कर में पूरा थोड़ी बंद कर देंगे, तो फर्म बंद करके दूसरा कंटिन्यू, पार्टनरशिप बंद करके उससे पार्टनरशिप खत्म करके फर्म को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहां डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप का ना कि फर्म का। इन सच केस देयर इज इन प्रैक्टिस नो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, द पर्टिकुलर पार्टनर गोज आउट बट द रिमेनिंग कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, इन दिस केस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑन द अदर हैंड द होल फर्म इज बंद, द पार्टनरशिप टर्मिनेट एज बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म, ऑल वेल। तो देखो दोनों में डिफरेंस इन्होंने बताया, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ, देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म जब बंद हो जाती है तो फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है बिजनेस, बट पार्टनरशिप जब बंद होती है तो बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होता, बस एक गोइंग आउट आउटगोइंग पार्टनर चला जाता है और बाकी के लोग अपना, इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ऑल वेल। वाइंडिंग अप, तो इट इन्वॉल्व वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म एंड रिक्वायर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ, अभी पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर में यही पढ़ाऊंगा, एसेट्स बेचेंगे, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। पार्टनरशिप में इट इन्वॉल्व सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन और सिर्फ एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, क्योंकि वो पार्टनर जा रहा है, वो अपना हिस्सा रिवैल्यू करके ही लेगा ना, ये आपने बहुत बनाया होगा अकाउंट्स में, वही आता है आपको बनाना अकाउंट्स में सबसे अच्छा। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, देखो भाई फर्म कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व ज्यादातर नॉर्मली होती है, लेकिन पार्टनर एक जा रहा है उसके लिए कोर्ट के ऑर्डर की क्या आवश्यकता है, वहां कोर्ट जनरली जाने की आवश्यकता नहीं होती। स्कोप, इट इज नेसेसरली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन, देखो डिसोल्यूशन फर्म का हो रहा है तो पार्टनरशिप का भी ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से फर्म का डिसोल्यूशन। एंड फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, इट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर, इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर, ऑल वेल। चलो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन जो अभी हमने पढ़ा है, पहला है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब अपनी मर्जी से हम लोग बंद कर रहे हैं। चार तरीके हैं मर्जी से बंद करने के, एक तो डिसोल्यूशन बाय कोई सी भी पार्टनरशिप हो, एट विल हो, पर्टिकुलर हो, आप ऑल ऑफ द पार्टनर एग्री करते हैं तो बंद कर लो बाय एग्रीमेंट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा जब सारे पार्टनर मर गए या एक बच गया या एक इंसॉल्वेंट हो गया या बिजनेस क्या हो गया, फिर कुछ कंटिंजेंट इवेंट होने पर भी फर्म बंद हो सकती है, बट यहां पर आप सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर एक्सप्रेस प्रोविजन हो पार्टनरशिप में तो आपकी फर्म का डिसोल्यूशन बच जाएगा। तो कंटिंजेंसी क्या होती है, वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, समय खत्म हो गया, बंद कर दो, फिर बाकी पार्टनर नहीं यार बंद मत करो ना चलाते हैं, तो डीड में लिखा हुआ था कि चला लो तो चला लो। वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर
फॉर अंडरटेकिंग बाय द डेथ और बाय इंसॉल्वेंस। सबकी डेथ नहीं हुई, सब इंसॉल्वेंट नहीं हुए, एक आधा हुआ, तो अवॉइड। और पार्टनरशिप एट विल है तो वहां पर सिर्फ क्या दे दो, ऑल वेल है। अब डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कब ऑर्डर देगा डिसोल्यूशन के लिए, जब आप पगला जाओ, इंसेनिटी। और जैसे ए बी एंड सी पार्टनर है, ए एस सेवर इन्फेक्शन एंड गॉट टाइफाइड, ड्यू टू दिस ही वॉज नॉट एबल टू कंडक्ट बिजनेस फॉर कुछ हफ्ते, दिस काइंड ऑफ इलनेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ग्राउंड फॉर, ये कोई इलनेस है, मेरे को बुखार हो गया, वो कह रहे हाँ आप डिसॉल्व, तेरी बहस की आग। सोचो एक दिन छुट्टी कर लो, सर आप मत आना, डिसॉल्व, अरे ऐसा थोड़ी होता है। हाँ कोई, मैं पागल हो गया हूँ, अब मैं क्लास में माइकल जैक्सन बना फिर रहा हूँ, पढ़ाने के अलावा सब कर रहा हूँ, आओ बच्चे पत्ते खेल दो, बेगम बादशाह इक्का बाहर कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को बंद कराना पड़ेगा, ठीक है। परमानेंटली इनकेपेसिटी हो गई, कोई मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी, या अब कोई ऐसी बीमारी हो गई जो कैंसर लास्ट स्टेज हो गई किसी पार्टनर को, अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में सोचेगा, हो गया भाई अब तेरा, तूने पूरा जीवन पैसा पैसा किया, अब निकल यहां से चल, समझ गए, मिसकंडक्ट कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट यानी कुछ चोरी कर रहा है, कोई अरेंजनेस अकाउंट दिखा रहा है, कैश जितना अलाउड है उससे ज्यादा होल्ड कर रहा है, अकाउंट्स दिखाई नहीं रहा, ठीक है, अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर रहा है फर्म में लगातार, और जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, जैसे एक पार्टनर गैम्बलिंग कर रहा है, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में डेडलॉक लगा हुआ है, मतलब मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा किस किसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑल वेल। चलो यहां से हम लोग, ये मैंने कर लिया है, एक कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर हम कब करेंगे, ओके बच्चे, थैंक यू।